पेपर लीक कांड में सीबीआई की टीम एक्शन में दिख रही है। सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष को रिमांड पर लिया है। सीबीआई ने स्पेशल मजिस्ट्रेट हर्षवर्धन सिंह की कोर्ट में दोनों को पेश किया। पेश करने के बाद कोर्ट से मिली अनुमति के बाद सीबीआई ने दोनों को रिमांड पर लिया है। सीबीआई की टीम चिंटू, मुकेश, मनीष, आशुतोष से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की गिरफ्तार में आपको बता दें कि 7 आरोपी जो है वो सीबीआई की गिरफ्त में है। और आपको बताते चले, सीबीआई की टीम चिंटू, मुकेश, मनीष, आशुतोष से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आशुतोष और मनीष प्रकाश के मोबाइल से सीबीआई को कई अहम सबूत भी मिले हैं और कई सवालों का जवाब खंगालने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। इसी के साथ ओएसएस के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और जमालुद्दीन से भी पूछताछ हो रही है। सभी आरोपियों से सीबीआई की टीम अलग अलग कमरे में पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर है एक्शन में सीबीआई की टीम। बता दें आपको कि जो आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है उनसे अलग अलग खबरों में उठा करके पूछताछ की जा रही है ताकि क्रॉस चेक भी किया जा सके। और आपको बता दें कि आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम सबूत भी सीबीआई के हाथ लगे हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और आपको बता दें कि ये जांच की जो रफ्तार है वो भी तेज कर दी गई है। इधर चिंटू, मुकेश, मनीष, आशुतोष से कई सवाल पूछे गए। ज्यादा जानकारी देंगे पटना संवाददाता अमित कुमार। अमित, नीट पेपर लीक मामले में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और जो पूछताछ आरोपियों से की जा रही है वो जरा बताएं कि कब से पूछताछ हो रही है? देखिए, नीट पेपर लीक मामले में कुल 7 आरोपी जो हैं वो अभी सीबीआई के पास है। अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है अमित से। लेकिन आपको बताते चलें कि ओएसएस के प्रिंसिपल एहसान उल हक से भी पूछताछ, तो वहीं ओएसएस के वाइस प्रिंसिपल से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। और जो भी आरोपी सीबीआई की टीम की गिरफ्त में है उन सभी लोगों से अलग अलग कमरे में पूछताछ की जा रही है। नीट पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। 4 दिन तक हजारीबाग में पूछताछ के बाद सीबीआई ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और नीट के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसान उल हक और डिप्टी प्रिंसिपल इम्तियाज को गिरफ्तार कर पटना ले आई है। एक अन्य शख्स को भी सीबीआई की टीम अपने साथ लाई है। सीबीआई की टीम इन दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और फिर आगे की तफ्तीश में जुट जाएगी। तो एक्शन में सीबीआई की टीम है और रिमांड पर आरोपियों को सीबीआई लेगी। और देखिए, आरोपियों को लेकर के पटना पहुंची है सीबीआई की टीम, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और लगातार अलग अलग कमरों में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ओएसएस के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल अरेस्ट किए गए हैं, इनसे भी लगातार घंटों पूछताछ होती रही। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो पटना आरोपी पहुंचे हैं उसमें 2 ब्रीफकेस, 1 बॉक्स भी लेकर इनके साथ टीम आई हुई है। नीट पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। अब आपको बताते चले कि गिरफ्तार किए गए 13 आरोपी से सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली और इन सभी से पटना के बेउर जेल में सीबीआई की टीम आज पूछताछ करेगी। और इन 13 आरोपियों में बिहार सरकार के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार समेत कई लोग शामिल हैं। बेउर जेल में पूछताछ से संबंधित तैयारी का जायजा लेने के लिए सीबीआई की टीम एसपी के नेतृत्व में जेल पहुंची। लगातार एक्शन में दिख रही है सीबीआई की टीम। बेउर जेल में सीबीआई की टीम आज पूछताछ करने वाली है 13 आरोपियों से, जिसमें आपको बता दें कि सिकंदर यादवेंदु भी शामिल है, जो कि मास्टरमाइंड एक तरीके से कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि इस मामले में कई और आरोपी हैं, 13 आरोपी हैं टोटल अभी फिलहाल, जो कि सीबीआई की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो भी इस नेटवर्क में शामिल है उन सभी पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। नीट पेपर लीक कांड की एक तरफ जांच चल रही है तो वहीं ये मुद्दा अब सड़क से संसद तक पहुंच चुका है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। एनडीए नेताओं ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि किसी भी हाल में पेपर लीक कांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक कांड की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दे रही है। हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूँ। शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। वे विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि संसद में बैठे नेता छात्रों के सम्मान को महत्व देते हैं। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। हंगामे को लेकर सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक कांड का मुद्दा उठाया। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित भी होती रही। विपक्ष के आरोपों पर जवाब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी दिया। स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीति, नियत और निष्ठा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेकर आज तक इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीति बदली है न निष्ठा बदली है। हो हंगामे के बीच आखिरकार संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित की जाती है। नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर सरकार की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी आरवी के नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार खुद संज्ञान ले रही है, छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार जो है इसमें पूरा संवेदनशील है, उसमें कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई की जांच भी हुआ, डीजी को निलंबित भी किया गया, बहुत सारे अरेस्ट भी हो रहा है, बहुत सारा तार कहां कहां है वहां हमारी सरकार में जो भी जहां है मुख्यमंत्री जी वो सारे लोग एक्शन ले रहे हैं। इसमें तो आप देखेंगे तेजस्वी यादव के पीए का भी नाम आ रहा है। हमारे नौजवान साथियों को लेकर, युवाओं को लेकर बहुत पूरी सरकार जो है वो संकल्पित है और उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है वो करने का काम सुनिश्चित करेंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले पर विपक्ष के तेवर बेहद कड़े हैं। संसद में भारी हंगामे के बीच अब सभी की नजरें सोमवार पर टिक गई हैं, जब सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। ठीक है, आप ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है। इंडियन डीफ टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की ही धरती पर हराकर 5-2